आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के ओंगना, दर्रीडीह, तेंदुमार गांव किनारे अलग अलग जगहों पर हाथियों के मौजूदगी बनी हुई है, जिस वजह से क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई। बताया जाता है हाथी 12 से 14 के दल में है और फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसे लेकर प्रभावित ग्रामवासी बहुत ज्यादा परेशान है। शायद यही वजह है कि लोगों में विभाग के प्रति खासा आक्रोश पनपने लगा। नतीजतन ग्रामीण स्थानीय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है, हाथी जब गांव किनारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है या फिर रिहायशी इलाके में प्रवेश करता है तो उन्हें उनका सहयोग नहीं मिलता और न ही कोई संसाधन प्राप्त होता है जिससे हाथियों को भगाने में सहायता मिले। हालांकि अभी हड़ताल का दौर है, लेकिन इससे पहले भी रवैया जस का तस रहा। ऐसे में मजबूरन ग्रामीण जान जोखिम में डालकर स्वयं हाथी को भगाने में लगे हुए हैं, जिसमें जाहिर तौर पर जान का खतरा बना है। कर्मचारी और हाथी मित्र दल के हड़ताल पर जाने से हाथी प्रभावित किसानों की समस्या को और बढ़ा दिया। ऐसे हालात में उनका कहना है, अब मजबूरन हाथियों के बीच जीवन यापन करने को बेबस है।